हेलो ब्यूटीफुल पीपल, तो आज हम लोग आ चुके हैं एक एडवेंचर पार्क में जो कि है इंडोर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। हम लोग अभी जर्मनी म्यूनिक में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इस वजह से सारे एडवेंचर जो भी पार्क्स वगैरह जो भी है यहाँ पे मोस्टली इंडोर्स है। बाहर कुछ एक छोटा मोटा पार्क बना करके रखते हैं समर्स के लिए ये लोग, बाकी इनको सब कुछ इंडोर रखना पड़ता है। इनके पूल्स वगैरह भी सब इंडोर होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इतनी मस्ती कर ली अभी तक, क्योंकि हम शूट नहीं कर पाए, हमारा फ़ोन पूरा भर चुका था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारा जो छोटा सा क्यूट सा बच्चा है शिवड़ी, वो हमारे को आगे आगे भाग रहा है और हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो हमेशा मैंने ये देखा है कि अगर आपको सच में ही फिट होना है तो आप छोटे बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर दो, आप अपने आप फिट रहने लग जाओगे। क्योंकि इतना भगाते ये मुझे बार बार लेकर के आ रहा है यहाँ पे कि इधर से चल चीनू चीनू चीनू, तो इतना बोल करके ये ऐसे करता है कि मेरे साथ चलो। अब हम थक चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को कम से कम एक घंटा हो चुका है ये हमारे को पता नहीं किधर से लेकर के जा रहा है। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे ना बच्चों को ना बहुत फ्रीली छोड़ देते हैं, कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे हम लोग होते हैं ना, अरे अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे कैसे गिर गया, नहीं, बच्चों को गिरने दो, उठने दो, संभलने दो, खुद से करते हैं सब कुछ। और सच में ही ये मैंने देखा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे वाले बच्चे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग आउटडोर गेम्स वगैरह वो सब चीज़ें हमारे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हर जगह का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो अभी मैं और दीप्ति इस गोले के अंदर से निकल रहे हैं। ये इसमें भी बहुत मज़े आते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना पूरा ऐसे पैक रहता है और ऐसे पता नहीं रहता कि आगे जा कर के आप कहाँ निकलोगे। तो वो बहुत एक सरप्राइजिंग सी चीज़ होती है कि आप नेक्स्ट किस ब्लॉक से निकलने वाले हो, आपको कुछ पता नहीं है किधर से आपको बाहर निकलना है। तो अभी हम लोग कुछ बाहर निकलने का ही रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो हालांकि ये छोटे बच्चों का है, बट बड़े लोग भी अब बच्चों के पीछे पीछे आ जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग बनाया हुआ है कि छोटे बच्चों के लिए पूरी सेफ्टी और बड़े लोगों का भी ये वेट वगैरह सब बियर कर सकता है। तो ये चीज़ बहुत सही है कि आप अपने बच्चों के साथ में फुल एंजॉय कर सकते हो, वरना ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चों के लिए गेम्स वगैरह बने होते हैं या कुछ भी होता है, वो सब कुछ उन्हीं के हिसाब से बहुत लाइटली सा बना के रखते हैं ये लोग। बट यहाँ पे ये चीज़ बहुत सही लगी मुझे। तो अभी मैं और दीदी आगे की तरफ भाग रहे हैं, और हमारे को शिवी एक बार हमारे से अलग हुआ था, उसके बाद मिला नहीं। अब हम बाहर निकल करके ही देखेंगे, अब हम लोग इतना फंस चुके इस जाल में, वो रहा शिवी, ये अब हमारे को मिल गया। तो अभी ये भागे ही जा रहा है। सो लेट्स सी, अब हमारे साथ में आप एंजॉय कीजिए, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी शिवड़ी क्यूटी बच्चा। तो ये अभी हम लोग इसको पकड़ चुके हैं फाइनली, और ये क्या है, एक छोटी स्लाइड है तो उसमें बच्चे ही जा सकते हैं, तो उसमें से निकल के बाहर चला जाता है और फिर वापस अंदर आ जाता है। तो इस चक्कर से हम लोग इसको ढूंढ नहीं पाते। तो आप आओ देखो मेरे साथ में, पूरा एंजॉय करो हम लोग किस तरीके से मज़े करते हैं। सो लेट्स गो, ये Thank you.
और उसके बाद हम लोग सबसे फेवरेट जगह पे आ गए हमारी, जो कि है एक वॉल्केनो टाइप कुछ बना हुआ है, उसके ऊपर की तरफ जा कर के उसको पकड़ो, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते ना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो, बट हाँ इतना भी नहीं था, बट बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार था। ऊपर जाके एक वो बनी हुई है उसमें, मतलब जंपिंग टाइप का कुछ है, तो उसमें जाके बच्चे आराम से गिर जाते हैं, कूद जाते हैं और इस रोप को पकड़ के फिर लटकते हैं, तो शिवी को सबसे ज़्यादा इसमें मज़ा आते थे और मेरे को भी सबसे अच्छा ये लगा, क्योंकि इसके अंदर ऊपर जाओ फिर एकदम से स्लिप करके आ जाओ तो वो बहुत मज़ेदार होता है, तो हम लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा मज़े आए। उसके बाद में हम लोग गए थे, ये ऐसी स्लाइड थी जिसके अंदर एक कुछ रोल्स से बने हुए थे, तो उसके ऊपर से आते हैं तो बहुत मज़े आते हैं, तो उसके ऊपर ये एक बैठ करके इसके ऊपर आने वाला था, और मतलब ऐसे भी आ सकते हो बट बच्चों के लिए थोड़ा सेफ़ नहीं, तो बच्चों के लिए ये एक राइडिंग सा कुछ बना रखा था, तो उसके ऊपर से बैठ के आते ना तो बच्चों को बहुत मज़े आते हैं। हम लोग भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्लाइड करी थी मैंने, बहुत मज़े आ रहे थे क्योंकि ये बहुत फनी सा है। सो लेट्स सी हम लोग आगे और क्या क्या करते हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो में आगे तक देखिए, एंड में बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं इसमें। तो अब ये वाला गेम खेलने मैं और दीप्ति आ गए, इसका मेरे को नाम नहीं पता है, बट हाँ एक बार मैंने इंडिया में भी कहीं पे खेला था, शायद अप्पू घर वाले वीडियो में है मेरा, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा जीत रही थी, बट इस वाले में मैं जब दीप्ति के साथ खेल रही हूँ तो सच में मैं इतनी बार आ रही थी, वरना मैं सोचती थी मैं प्रो प्लेयर हूँ इस गेम की, बट ऐसा नहीं है, जब आपके सामने कोई दूसरा इंसान आता तब आपको पता चलता है, तो इसमें मैं इतना हारी हूँ जिसकी कोई हद नहीं है, बट हाँ सबसे ज़्यादा हम लोगों को इसमें मज़े आए थे, लेकिन इसमें ना हर एक गेम के ना 10 यूरोज़ डालने पड़ रहे थे इसमें, तो मतलब एक कॉइन डालोगे आप तो उसके बाद में आप एक पूरा गेम खेल सकते हो 10 पॉइंट्स का, तो बट फिर भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ इन्होंने बहुत कॉस्टली कर रखा था इस चीज़ को, बट हाँ बहुत ज़्यादा मज़े आए हम लोगों को ये सब करने में, तो कभी कभी आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। बच्चों के साथ में बहुत एक्टिवनेस फील हुई यहाँ पे, ऐसा लग रहा था इतने सारे बच्चों को इधर भाग रहे उधर भाग रहे, कोई कहाँ से चिल्ला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और फिर से मैं अपनी फेवरेट स्लाइड पे आ चुकी हूँ, मैं और दीदी हम लोग इसके ऊपर बहुत मज़े करे थे। सो लेट्स सी आगे और हम लोग क्या क्या करते हैं। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।